हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ मैथ्स पे। और आज के स्टूडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4 से 7 तक। ठीक है, तो 4 प्रश्नों को इसमें हम हल करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 3 तक प्रश्न करवा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 4 से। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है कि 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसमें दोनों संख्याओं के बारे में हमको पता नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को मान लेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या। अब पहली संख्या को हम क्या मानेंगे, x के बराबर मानेंगे। और इसमें दूसरी संख्या मानेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर। अब देखिए, पहली संख्या तो कहा गया है कि जो है वो तो है ही, यानी कि x मान लिया हमने। अब पहली संख्या से 15 अधिक है दूसरी संख्या, यानी कि अगर पहली x है तो दूसरी x प्लस 15 होगी, यही बात है। तो अब ये हमने कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इस प्रश्न को अब हल करेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब क्या है कि प्रश्न में दिए गए अनुसार। तो देखिए, प्रश्नानुसार करेंगे तो देखिए इसमें क्या कहा गया है हमसे प्रश्न में कि दोनों संख्याओं का योग 95 है। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 15 का योग कितना है, 95 है। यानी कि इस x में अगर x प्लस 15 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 95। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखिए, x और x क्या हो जाएगा, 2x, और ये देखिए 15 है प्लस ये 15 बराबर 95। तो इस तरह से 2x बराबर ये 95, अब ये प्लस 15 है इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, यानी कि 95 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। तो इस तरह से 2x बराबर 80 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 2x बराबर 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 80, और ये 2 गुणा में है इधर आके भाग में। तो देखिए, 2 एकम 2 40 दूना 80, यानी कि x का मान कितना आ गया यहाँ पर, 40। तो इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम कि हमने देखिए यहाँ पर x किसको माना है, पहली संख्या को। तो इसलिए हमारा यहाँ पर पहली संख्या कितना आ गया, पहली बराबर x था तो x बराबर 40 आ गया। और दूसरी संख्या कितनी थी हमने माना, दूसरी संख्या x प्लस 15, यानी कि 40 प्लस 15, तो कितना आ गया, 40 प्लस 15 55। तो इस तरह से एक संख्या 40 और दूसरी 55 हो जाएंगी। अब ये तो हो गया प्रश्न नंबर 4, अब करते हैं प्रश्न नंबर 5 का हल। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा गया है कि 2 संख्याओं में अनुपात 5 और 3 का है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या कहा गया है, संख्याएं बताइए। तो इसमें मान लेंगे हम पहली संख्या, माना पहली संख्या। देखिए, अनुपात इसमें दिया गया है 5 और 3 का, तो अनुपात है तो यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5x। इसी तरह से दूसरी संख्या मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर 3 है, 3 अनुपात में है, तो यानी कि 3x हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब इसको करते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिए, कहा गया है कि प्रश्न में कि दोनों का यदि अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या कहा गया है कि अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है कि दोनों का घटा, यानी कि अगर 5x में से 3x घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 18। तो इस तरह से 5x में से 3x घटाएंगे कितना बचेगा, 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 18, ये 2 गुणा में है इधर आके भाग में हो गया। तो 2 एकम 2 2 9 18, यानी कि x का मान कितना आ गया यहाँ से हमारा, 9। तो ये तो हो गया x का मान। अब हमने देखिए, x को तो 9 निकाल लिया, अब यहाँ पर x को हमने कितना माना है, देखिए पहली संख्या 5x है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या बराबर 5x माना है हमने। तो 5 और गुणा x का मान कितना है, 9। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 5 9 45। इसी तरह से दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या हमने कितना माना था, 3x, यानी कि 3 × 9 तो कितना हो जाएगा 27। तो इस तरह से हमारा पहला 45 और दूसरा 27, ये दो संख्याएं हमारी निकल के आ गईं। तो ये था प्रश्न नंबर 5 का हल। अब करते हैं प्रश्न नंबर 6 का हल। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा गया है हमसे, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमसे 3 लगातार पूर्णांकों का योग बोला गया है कि कितना है 51। तो मान लेंगे इसमें तीनों पूर्णांकों को, क्योंकि हमें दिया नहीं गया है, तो इसमें मानेंगे माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक को क्या मान लेंगे x। इसी तरह से मानेंगे दूसरा पूर्णांक, देखिए कह रहा है 3 लगातार, तो लगातार का मतलब क्या है कि एक के बाद एक क्रम वाइज, तो इस तरह से x के बाद क्या आ जाएगा x प्लस 1। इसी तरह से माना तीसरी पूर्णांक, x प्लस 1 के बाद क्या आएगा x प्लस 2। तो इस तरह से हमारा तीनों लगातार पूर्णांक एक x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 हमने मान लिया। अब देखिए इसमें कि करेंगे इसको प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार करने पे हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि इनका योग, तीनों पूर्णांकों का योग कितना है 51, यानी कि तीनों को अगर हम जोड़ें, यानी कि पहले को x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 को अगर जोड़ें तो कितना हमें प्राप्त होगा 51। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इसमें x का मान निकालना है, तो पहले तीनों x को जोड़ लेंगे, 1x, 2x और ये 3x, तो कितना हो गया 3x, और संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, 1 प्लस 2 कितना 3, बराबर कितना है 51। तो अब देखिए 3x बराबर 51, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा आपका 48। तो अब देखिए यहाँ से कि x बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 48, 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा 16 बार में, 3 × 3 16 × 48, यानी कि x का मान कितना आ गया 16। तो ये तो हो गया हमारा x का मान। अब देखिए हमने पहला संख्या क्या माना है x, और x का मान कितना आया हमारा 16, तो पहली संख्या कितनी हो गई 16। इसी तरह से दूसरा हमने क्या किया है x प्लस 1, यानी कि x का मान कितना है 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। इसी तरह से तीसरा x का मान मतलब 16 प्लस 2 बराबर 18। तो हमारी तीन लगातार पूर्णांक कौन कौन सी हुई 16, 17 और 18। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल हो गया। मैंने यहाँ पर कर दिया, आप यहाँ पर लिखेंगे पहली पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल। अब करते हैं प्रश्न नंबर 7 का हल। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में हमसे क्या कहा गया है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें गुणजों को ज्ञात करना है, तो इसमें हम भी वैसे ही करेंगे जैसे प्रश्न नंबर 6 को हमने किया। मानेंगे पहला गुणज, माना पहला गुणज, क्या मानेंगे x, और इसी तरह से माना दूसरा गुणज, गुणज कहा गया है यानी कि 8 का गुणज, तो x के बाद x, इसका गुणज कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। इसी तरह से माना तीसरा गुणज, तो x प्लस 8 के बाद 8 का गुणज, 8 का मान 8 दुना 16 हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस 16। तो इस तरह से हमने तीनों गुणजों को मान लिया है। अब करेंगे हम इसको प्रश्नानुसार। तो देखिए तीनों गुणजों का योग हमसे क्या कहा गया है, कितना है 888 है, यानी कि इन तीनों का अगर हम जोड़ते हैं x, x प्लस 8 और x प्लस 16 को, तो हमें कितना प्राप्त होता है 888। अब हम क्या कर देंगे कि इस x का मान निकाल लेंगे, तो देखिए 1x, 2x और एक 3x, तो ये हो गया 3x प्लस ये 8 और 16 कितना हो जाएगा 24 बराबर 888। अब क्या करेंगे 3x बराबर ये 888, 24 प्लस का है, इधर आके माइनस का 24 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 888 में से 24 घटा देंगे तो 864 बच जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ गया 864, तो x का मान कितना आ जाएगा 864, ये 3 गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कितने से कटेगा ये 3 × 3 और ये कटेगा 288 बार में, 288 तिया 864 होता है, तो x का मान कितना निकल गया आ गया हमारा 288। तो ये तो हो गया x का मान। अब देखिए हमने
पहला गुणज को क्या माना है, x, यानी कि हमारा पहला गुणज इसमें कितना आ जाएगा, 288। मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर लिख के करना है पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज, ठीक है। तो ये हमने पहला गुणज कर लिया। अब देखिए दूसरा गुणज क्या है, x प्लस आठ, यानी कि 288 प्लस आठ कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़े हम तो ये आपका हो जाएगा 296। इसी तरह से ये तीसरा गुणज क्या है, 288 एक्स का मान 288 प्लस 16, तो 288 प्लस 16 कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 8 एक 9 और एक 10, 2 और एक 3, यानी कि 304। तो इस तरह से हमारे तीनों गुणज निकल कर आ गए। तो ये तो था प्रश्न नंबर 7 का हल। आई होप आपको सभी प्रश्नों के हल समझ में आए होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।